जय हिंद गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्म स्पीड के ऊपर। कि जैसा कि बहुत सारे बॉलर्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया आर्म स्पीड इंक्रीज करना पॉसिबल है और आर्म स्पीड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर किन बॉलर्स के लिए आर्म स्पीड इंक्रीज करना जरूरी है। तो गाइस, मैं आज आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा, तो आप प्लीज मेक श्योर करें कि आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखें। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पहले बताना चाहता हूँ कि आर्म स्पीड होती क्या है। आर्म स्पीड का मतलब ये होता है गाइस कि जब आपका बैक फुट लैंड हो चुका होता है, उस पॉइंट से लेके आपके फ्रंट फुट कांटेक्ट तक आपकी जो आर्म रोटेशनल स्पीड रहेगी, यानी कि आर्म का रोटेशन, अब इसकी क्विकनेस कितनी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है गाइस कि आपका जो बॉलिंग हैंड है वो बैक फुट कॉन्टैक्ट से लेकर कितनी तेजी से मूव करके, स्विंग करके आपके रिलीज पॉइंट तक आ सकता है, तो इसको बोलते हैं गाइस आर्म स्पीड। अब गाइस, क्वेश्चन ये आता है कि किन बॉलर्स के लिए आर्म स्पीड इंक्रीज करना जरूरी है। अब क्या वो नी डोमिनेंट बॉलर है, क्या वो हिप डोमिनेंट बॉलर है? तो गाइस, इसका आंसर ये है कि आप अगर नी डोमिनेंट साइड ऑन बॉलर हो तो आपके लिए आर्म स्पीड इंक्रीज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा अपने बॉलिंग एक्शन में कि आपका जो लोअर बॉडी की स्पीड है, यानी कि आपकी प्रीटर्न की स्पीड है, वो सही है या नहीं है। अगर आपका बैक फुट ऑलरेडी स्लो है गाइस, तो आप आर्म स्पीड इंक्रीज करोगे तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी, आपकी अपर बॉडी और ज़्यादा क्विक हो जाएगी और लोअर बॉडी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो इसलिए पहले आपको वर्क करना है अपनी लोअर बॉडी की स्पीड पे, यानी कि अपनी प्रीटन की स्पीड पे। और गाइस, जो हिप डोमिनेंट फ्रंट ऑन बॉलर्स होते हैं, जिनका बैक फुट फ्रंट ऑन की तरह लैंड होता है, तो उनके लिए जरूरी होता है गाइस कि वो अपनी आर्म स्पीड को इंक्रीज करें, क्योंकि उनकी लोअर बॉडी ऑलरेडी तेज चल रही होती है, क्विक होती है, तो उनको अपनी अपर बॉडी स्पीड को लोअर बॉडी की स्पीड से मैच कराने के लिए अपनी आर्म स्पीड को इंक्रीज करना पड़ता है। देखिए गाइस, बॉलिंग में क्या होता है, आपकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस कि आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी की स्पीड एक जैसी रहे, इसलिए गाइस परफेक्ट हिप शोल्डर सेपरेशन होगा। तो गाइस, नी डोमिनेंट जो साइड ऑन बॉलर होते हैं, अगर उनकी लोअर बॉडी पीछे से स्लो है, उनका बैक फुट काफी स्लो है, तो वो आर्म स्पीड इंक्रीज ना करें, वो अपने प्रीटर्न पर ज्यादा वर्क करें। और जो कि फ्रंट ऑन हिप डोमिनेंट बॉलर होते हैं गाइस, उनके लिए जरूरी होता है गाइस कि वो अपनी लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों की स्पीड पर वर्क करें, आर्म स्पीड पर भी वर्क करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हाउ टू इंक्रीज आर्म स्पीड, आर्म स्पीड आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये होता है गाइस कि आप लाइटर वेट से बॉलिंग करो। जैसे कि आपने देखा होगा गाइस कि जो टेनिस बॉल बॉलर होते हैं, उनकी आर्म स्पीड कितनी ज्यादा तेज होती है, इसलिए गाइस इंपॉर्टेंट होता है कि जो हिप डोमिनेंट बॉलर है वो टेनिस बॉल से बॉल डालते रहे। आपको टेनिस बॉल से ना हफ्ते में 2 या 3 बार बॉल डालना है फुल रन अप से, और वो भी 3 या 4 ओवर। अब 3 या 4 ओवर जब आप डालोगे गाइस, तो आपका जो हाथ है ना वो लाइटर होता जाएगा, क्योंकि जब आप लाइट वेट से अपना हैंड रोटेशन मूव करते हो तो वो तेज होता जाता है। ऐसा होता है गाइस कि जब आपकी बॉलिंग हैंड में लेदर बॉल जैसी भारी चीज होती है, तो क्या होता है कि आपके हाथ पर लोड आता है और उसको रोटेट करने में उसको बहुत ज्यादा पावर लगती है। लेकिन जब आप लाइटर वेट बॉल लेते हो, तब उसको कम पावर लगती है और वो अब फ्रीली और बहुत तेज घूम सकता है, तो वो फ्रीली बहुत जल्दी रोटेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो आर्म स्पीड डेवलप होती जाती है। तो गाइस, लाइट वेट बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी आर्म स्पीड को इंक्रीज करने के। लेकिन गाइस, ये चीज़ आप तभी करना जब आपकी लोअर बॉडी की स्पीड ज़्यादा है। ऐसा नहीं करना गाइस कि आपकी लोअर बॉडी की स्पीड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लो है और आप आर्म स्पीड की ड्रिल कर रहे हो, ऐसा करने से और ज़्यादा डिसबैलेंस क्रिएट होगा। इसलिए गाइस, आर्म स्पीड की जो ड्रिल है टेनिस बॉल से जो की जाती है, वो कुछ ही बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सारे बॉलर्स के लिए नहीं होती है। वो बॉलर्स खासतौर पे जो कि हिप डोमिनेंट है और फ्रंट ऑन है, और जो बॉलर्स नी डोमिनेंट और साइड ऑन होते हैं, उनके लिए पहले जरूरी होता है कि वो अपने प्रीटर्न पर ज्यादा वर्क करें, जिससे कि उनकी लोअर बॉडी की स्पीड पहले तेज हो, फिर बाद में वो अपनी आर्म स्पीड पर वर्क कर सकते हैं। और एक और चीज ये करना है गाइस कि आपको ना अपने जो शोल्डर की मोबिलिटी है उसको इंक्रीज करना है, क्योंकि गाइस शोल्डर मोबिलिटी अगर कम रहेगी गाइस, तो आपका हैंड ना प्रॉपरली पीछे नहीं जा पाएगा। बहुत सारे बॉलर्स जो जिम जाते हैं, वो क्या करते हैं गाइस, बहुत ज्यादा अपनी मसल्स को डेवलप कर लेते हैं, खासतौर पर बैक मसल्स को, और जो कि हिप डोमिनेंट बॉलर हैं उनके लिए तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। गाइस, जब आपकी बैक मसल्स बिल्ड होती हैं, खासतौर पे विंग्स जिनको हम लेटरल मसल्स बोलते हैं, वो अगर डेवलप हो जाती हैं गाइस, तो आपका शोल्डर कम मोबाइल हो जाता है। यानी कि अगर मेरा शोल्डर यहाँ तक पीछे तक जा रहा है और मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लेटरल मसल्स को बिल्ड कर लिया, तो ये शोल्डर यहाँ तक ही रुक जाएगा, इतना, इससे ज़्यादा यहाँ तक नहीं जा पाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है गाइस कि आप अपनी ये जो लेटरल मसल्स है, इनको अगर आपने बिल्ड कर रखा है, तो फिर आपके लिए जरूरी है कि अब आप मोबिलिटी ड्रिल्स करो, और मोबिलिटी ड्रिल से अपने शोल्डर को थोड़ा और फ्री करो। जितना फ्री शोल्डर रहेगा, जितना फ्रीली आपका आर्म रोटेशन रहेगा, उतना तेज वो धीरे धीरे होता जाएगा, और जितना तेज आपकी गाइस आर्म स्पीड रहेगी, अपर बॉडी रहेगी और साथ में आपकी लोअर बॉडी रहेगी गाइस, उतना ज़्यादा पेस आपका इंप्रूव होता जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है गाइस कि आप सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ट्रेनिंग करो, अपने मन से कुछ भी नहीं करना गाइस। अगर आप चीज़ें समझ चुके हो कि आपको कब किस चीज़ पर वर्क करना है, तभी उस चीज़ पर वर्क करिए, नहीं तो ऐसे नहीं करिए। और अगर आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि आपको ज़रूरत है आर्म स्पीड ट्रेनिंग की, तो आप करिए, और अगर आपको नहीं समझ में आया गाइस, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो गाइस, आई होप आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर रहे होंगे गाइस। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तक लिए गुड बाय एंड जय हिंद।